योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 12 करोड़ की लागत से नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। कहा, यह भवन आधुनिक सुविधाओं से है लैस। आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय छुएगा नए आयाम। यातायात तिराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक नगर निगम ने नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में चलाया सफाई अभियान, करवाया फॉगिंग, गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों से वसूला जुर्माना। जन जन तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं पहुंचाने की पहल, जनपद और ब्लॉक के 146 अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित, जिला क्षय रोग अधिकारी गणेश यादव ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में SJPU और AHTU की आयोजित की गई मासिक समीक्षा समन्वयक बैठक, शासन द्वारा जारी SOP के विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। GRP थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी लगी हाथ, पुलिस टीम ने बंगाल के शातिर मोबाइल चोर शुक्रुद्दीन मियां को किया गिरफ्तार, चोरी के 45 मोबाइल फोन किए बरामद, मोबाइल फोन की करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही अनुमानित कीमत। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 54वीं एवं महंत अवैधनाथ की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का किया गया आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन के पश्चात विधिवत पूजन पाठ के बाद शुरू हुई कथा। फैशन कनेक्ट और बाबरी फिरकी एक बार फिर 26 से 27 सितंबर को आपके शहर गोरखपुर में 2 दिवसीय लगाई गई प्रदर्शनी, एक ही छत के नीचे 46 से भी अधिक डिजाइनरों के लगाए गए स्टॉल, महिलाओं ने जमकर की खरीद। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमे आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 12 करोड़ की लागत से नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 12 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है, 200 लोगों के बैठने के लिए सभागार की व्यवस्था है, बिजली बचत के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को नया प्रशासनिक भवन प्राप्त होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। ये समय टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र निर्माण में बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा, देश व प्रदेश की लोक रैंकिंग की बात करते हैं, इसमें 2 महत्वपूर्ण पहलू आते हैं। सबसे पहला, प्रदेश के अंदर निवेश की संभावना की स्थिति क्या है और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग को सुधारता है। उन्होंने कहा, 2017 के पहले प्रदेश की देश में रैंकिंग क्या थी सबको पता है। उस समय 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। हमने MOU किया और निवेश मित्र के माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्रशासनिक तंत्र को कार्य करने के लिए बाध्य किया कि वह टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बेहतर ढंग से कार्य योजना को धरातल पर उतारे, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पर रैंकिंग में आ गया है। उन्होंने कहा, साइबर क्राइम को कम करने के लिए पूरे प्रदेश में साइबर थाना खोला गया है और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने गोरखपुर जोन पुलिस के साथ MOU साइन किया है। इससे विश्वविद्यालय पुलिस के साथ मिलकर साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ के छात्रों को बड़ी कंपनियों में रोजगार मिला है, जिसमें 15 से छात्रों को 50 लाख का पैकेज मिला है। यहाँ के छात्रों द्वारा ड्रोन तैयार किया जा रहा है, जो किसानों को दवा छिड़काव करने में मदद करेगा। ये ड्रोन फिल्मों में भी कार्य आता है, यही टेक्नोलॉजी की पहचान है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर बने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन के लोकार्पण से डबल इंजन की सरकार की शिक्षा नीति को और मजबूती मिलेगी, जिसकी प्राथमिकताओं में उच्च शिक्षा का व्यापक प्रसार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर ही गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कर कमलों से पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, 14 करोड़ की लागत से तैयार ये प्रशासनिक भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री जिनके विचारधारा, इनकी सोच, एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ सिस्टम हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, कहीं पीढ़ियों के लिए एक प्रशासन चलाना, एक प्रशासक के रूप में आज पूरे देश किसी से छिपा नहीं है कि नंबर वन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक जोरदार साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी माननीय महापौर, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक केंद्रीय, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री विरेंद्र सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र, प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवा, स्पेशली जो हमारे पांडे जी हैं, जो कुलपति जी हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। इस दिन का ग्रेट जॉब एंड आप पांडे जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपको सब इंजीनियर बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले हो, क्या काम करोगे? हाथ उठा के बताओ कौन कौन इंजीनियर बन रहा है? अरे वाह, सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, वेरी नाइस। अभी महाराज जी से बात करें तो महाराज जी ने बताया, उनसे पता है क्या बोला महाराज जी? बड़े हाईटेक महाराज जी, अवेयर ऑफ एवरीथिंग। एनी सरप्राइजेस की नहीं है इसे कि आप फिल्म की शूटिंग कैसे होते हैं सांसद जी? मैं कैमरे से बोले कैमरा कौन बना रहा है? कैमरा इंजीनियर। ड्रोन कौन बनाता है जिसे ड्रोन से आप लोग टॉप शॉट लेते हो? बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है जो ड्रोन, आज हम लोगों के बच्चों ने वहां बाहर 10 KG तक के ड्रोन को लिफ्ट करने वाला भी खेत खलिहान में स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए अपने शुभकामनाएं देते हैं। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है, टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्र निर्माण में, लोक कल्याण में कैसे किया जा सकता है, आप जैसे सुविधाओं को इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। देशों की या प्रदेशों की रैंकिंग की बात करते हैं तो वह दो महत्वपूर्ण पहलू उसमें आती है। एक, अगर हम प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं की स्थिति क्या है, इस ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या है और इसको आगे बढ़ाने में, अपनी रैंकिंग को सुधार करने में हम कैसे सफल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदम, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा उसके क्रियान्वयन में की गई तत्परता अपने आप ही रैंकिंग को सुधारता है।
इसका एक उदाहरण है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की बॉक्सिंग बिजनेस की रैंकिंग का टेम्पर था लगभग 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। हमने रिफॉर्म किए, सिंगल विंडो पोर्टल बनाकर के निवेश मित्र के माध्यम से टेक्नोलॉजी को अपनाया और प्रशासनिक तंत्र को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए दिए गए रिफॉर्म को समयबद्ध तरीके से जमीनी धरातल पर उतारे। परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हुआ 14वें नंबर। अभी 21 से 25 के बीच ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। दुनिया के 500 बायर्स उसमें उपस्थित थे और आश्चर्य करेंगे कि 3 दिनों में यानी 5 दिनों में पहले दिन तो राष्ट्रपति जी उद्घाटन नहीं थी तो पहले दिन तो 21 को उद्घाटन की औपचारिकता हो पाई, लेकिन 22 से लेकर 25 के बीच लगभग 4 लाख लोग वहां पर आए और उन लोगों ने वहां पे इनोवेशन को भी देखा, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को भी देखा। उत्तर प्रदेश के तमाम संस्थानों ने और खासतौर पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने स्टार्टअप वहां पर स्थापित किए। लोगों को आश्चर्य था क्या ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास करिए नहीं। वे लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन आज कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता क्योंकि 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स अकेले उत्तर प्रदेश से इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में उपस्थित हुए थे और उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को वहां पर प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। तमाम हमारे तकनीकी विश्वविद्यालयों के इनोवेशन भी वहां पर स्थापित किए गए जिसको दुनिया देख रही है। अच्छा ये पाटनगर का प्रदेश और आप इसीलिए जब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दुनिया में अवसर प्राप्त हुआ है, ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। इसमें हम अपने आप को जितना समाज की आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप किसी इनोवेशन के साथ जोड़ करके अपने रिसर्च को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे उसके परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने विश्वविद्यालयों को आज हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, जो हमारे इनोवेशन और रिसर्च के सेंटर होने चाहिए वे सरकार निरपेक्ष और समाज से निरपेक्ष हो चुके हैं। हमें निरपेक्ष भाव से नहीं, निरपेक्षता केवल भ्रष्टाचार की प्रति होनी चाहिए। ऊपर से कोई शॉट लेना हो तो ड्रोन में उसका उपयोग करते हैं, ये ड्रोन भी यही लोग बनाते हैं। जो बाहर ड्रोन लेता है तो कहीं और नहीं लगता। इन संस्थानों में समाज की आवश्यकता के अनुरूप अभी तक फिल्मों में उपयोग कर रहे थे, कहीं अभी शादी ब्याह में उपयोग कर रहे थे, अब इसका उपयोग कृषि में भी होने लग गया। आपने देखा होगा बस लीटर क्षमता का कोई पेस्टिसाइड या कोई भी फर्टिलाइजर लेकर के लिक्विड फर्टिलाइजर लेकर के वह ड्रोन जा सकता है और 1 एकड़ खेती को 10 मिनट के अंदर खाद का या दवा का छिड़काव करके उस किसान को
दवा के दुष्परिणामों से मुक्त एक व्यवस्था दे सकता है, बेहतरीन तरीके से एक ऐसे छिड़काव के साथ पूरी खेती को जोड़ सकता है। व्यक्ति पहले पेनल्टी जब करता है या हाथ से हाथ छटकता है या फिर वह कंधे में रखकर के पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए मजबूर होता है। आप अनुभव कर सकते हैं कि वो पेस्टिसाइड जिससे जहरीले कीड़े मर रहे हो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी जो अपने कंधे में उसको चबा करके और फिर उसे छिड़काव करता होगा। टेक्नोलॉजी उसके लिए है और टेक्नोलॉजी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी ने उसकी स्थिति को और आसान किया है। ऐसे ही डाटा एनालिसिस के लिए पूरी दुनिया में आज जितनी भी भागम भाग हो रही है, जितना कुछ हो रहा है उसके पीछे डाटा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके एनालिसिस की भी व्यवस्था हमें केवल सो भी नहीं देना है, उसके परिणाम और दुष्परिणामों से बचाव के रास्ते भी तलाश करने। अगर ड्रोन दे रहे हैं तो ड्रोन का उपयोग तो हो लेकिन ड्रोन का दुरुपयोग भी रोका जा सके इसकी तकनीक भी आपको विकसित करनी होगी, उस दिशा में भी प्रयास करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन को आसान कर सकती है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिणामों को के माध्यम से जीवन को आसान बनाने के ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कैसी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इसका क्या उपयोग हो सकता है, इस दिशा में भी एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस दिशा आज की आवश्यकता के लिए मैं एक जगह का एक समीक्षा बैठक ले रहा वहां पर नेचुरल गैस पाइप से बिछाई कर रहा अचानक कार्य हो गया तो मैंने पूछा भी कार्य क्यों होगा देते तो हमारे पास मैन पावर नहीं था। मैंने कहा मैन पावर कैसा चाहिए, कहा कि हमें अच्छे ट्रेन प्लंबर चाहिए, इंजीनियर है लेकिन प्लंबर नहीं है। आप सोचिए कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक की योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, हर घर तक शुद्ध पाइप पेयजल की स्कीम पहुंच गई है। अब पाइप पेयजल की स्कीम हर घर तक पहुंच रही है तो पाइप पेयजल की स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अगर पानी पीना है तो पानी की बचत की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। और अक्सर होता क्या है, पानी खुला हुआ है तो खुला ही हुआ है, कोई बंद करने वाला नहीं होता है, कहीं पाइप लीक हो रहा है तो पानी वहां से निरंतर गिर रहा है कोई इसको बंद करने वाला नहीं है। अगर हर गांव में ट्रेन प्लंबर हो जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ या जल की एक एक बूंद पानी के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकेंगे तो यह योजना लंबे समय तक लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम बन सकती है, बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 54वीं एवं महंत अवैद्यनाथ की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक गोरखनाथ मंदिर में किया गया। CM योगी भी मंगलवार दोपहर को गोरखनाथ मंदिर आ गए हैं।
मुख्यमंत्री के आगमन के पश्चात विधिवत पूजा पाठ करने के पश्चात कथा प्रारंभ हुई। आपको बता दें 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक सप्त दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह में देश के कई संत, महात्मा, धर्माचार्य, समाज सेवी प्रतिभाग करेंगे। दोनों महंतों का विराट व्यक्तित्व आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे राष्ट्रवादी चरित्र एवं आध्यात्मिक चेतना से प्रदीप्त ऐसे संत थे जो अतीत, अनागत और वर्तमान सबको प्रत्यक्षवत देखते थे। हिंदू समाज के रक्षक थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उनकी स्मृतियां हमें नई ऊर्जा देती हैं। साथ ही 26 सितंबर से गोरखनाथ मंदिर में शुरू होने जा रही कथा सुनने वालों के लिए मंदिर की ओर से प्रतिदिन निशुल्क बस सेवा दोपहर 2 बजे से विभिन्न रास्तों पर उपलब्ध होगी। Thank you.
पूज्य महामंत्री विजयनाथ जी महाराज की 14वीं पुण्यतिथि और पूज्य महामंत्र आदित्यनाथ जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान इस संपूर्ण कथा के कथा व्यास पूज्य संत वृंदावन से पधारे श्री कृष्णचंद्र शास्त्री प्रभु जी महाराज अयोध्या धाम से पधारे गुरु महामंत्राचार्य पूज्य स्वामी खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो थार बोलेरो XUV 400 XUV 300 XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड अपोजिट सिटी हॉस्पिटल मुगलपुर चरगावा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नगर आयुक्त तो गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में नगर निगम ने यातायात तिराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक सफाई अभियान चलाया। इसके संबंध में नगर आयुक्त तो गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक और यातायात चौराहे तक बहुत ही भीड़ भाड़ होती है और बहुत गंदगी होती है, जिसको देखते हुए रात्रि में अभियान चलाकर सफाई करवाई गई है और जो दुकानदार डस्टबिन का उपयोग नहीं कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। इसके अलावा कूड़े का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है और फॉगिंग का कार्य करवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे यात्री आते हैं, यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होती है। हम लोग सभी दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि वह सफाई रखें, जिससे हमारा शहर साफ व सुंदर बन सके और ये अभियान आगे भी रहेगा। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त मणिभूषण तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा यहाँ पे रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक यातायात चौराहा से लेके पूरा ये हम स्ट्रेच कवर करते हैं। नगर निगम गोरखपुर के द्वारा पिछले 4 महीनों से रात्रिकालीन सफाई कराई जा रही है और डोर टू डोर कलेक्शन भी किया जाता है। इसमें सभी व्यापारी वर्ग बंधुओं के साथ हमने बैठक किया था 4 महीने पहले और सबके साथ तय हुआ था कि रात्रि में, चूंकि ज्यादातर यहाँ पे फुटफॉल बहुत होता है रेलवे स्टेशन के कारण, यात्री आते रहते हैं हमेशा और जिसके कारण बहुत गंदगी भी रहती है, कॉमर्शियल कई सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो इन सबका कूड़ा रात्रिकाल में हम नगर निगम के द्वारा उठवाते हैं। तो इसी क्रम में आज ये अभियान यातायात चौराहा से लेके रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तक जाएगा, जिसमें जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, जितने भी जिनकी दुकानें हैं, अगर किसी ने गंदगी कर रखी तो उसको चालान किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, अपने आसपास गंदगी ना होने दें और नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी दी जा रही है रात्रिकालीन में उसके अंदर ही कूड़ा डालें और कूड़े को नालियों में ना फेंकें, ताकि ये हमारा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे यात्रीगण यहाँ उतरते हैं और गोरखपुर की जो छवि है वो यहीं से बनती है, तो ये एरिया बड़ा स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब अपने आसपास स्वच्छता रखें, सफाई रखें और नगर निगम का सहयोग करें। ये लगातार अभियान चल रहा है, हमने एक शहर के मुख्य मुख्य मार्गों को कवर कर रहे हैं जहाँ पे हमारी गंदगी ज्यादा मिलती है, जहाँ पे फुटफॉल बहुत है, जहाँ पे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट काफी है, मार्केट एरिया है, जिसकी वजह से कूड़ा बहुत होता है, इसी अभियान लगातार आगे भी। जिले के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने के लिए आशा और आंगनबाड़ी के कार्य क्षेत्र का नए सिरे से एक रूपता किया जाएगा। इसके लिए सोशल मैपिंग की पहल की गई है। सरेखण और मैपिंग के संबंध में 146 जिला स्तरीय अधिकारियों और ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारियों को विकास भवन सभागार में 3 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक ब्लॉक में इस कार्य को संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में जिला क्षय रोग अधिकारी गणेश यादव ने बताया कि जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट की टीम की मदद से स्वास्थ्य, ICDS और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण मिला है। प्रशिक्षण के जरिए हम सभी को बताया गया है कि राजस्व गांव को आधार मानते हुए आंगनबाड़ी के कार्य क्षेत्र के हिसाब से आशा कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र भी निर्धारित होगा। इससे कई प्रकार के फायदे होंगे। एक आशा के क्षेत्र में कई आंगनबाड़ी अथवा एक आंगनबाड़ी के क्षेत्र में कई आशा कार्यकर्ता न होने से कार्य में समन्वय आसान हो जाएगा। किसी भी अभियान के दौरान त्रुटि रहित ड्यू लिस्ट तैयार होगी और जन जन तक सुविधाएं पहुंच सकेंगी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समाज में स्वीकार्यता बढ़ेगी और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जहां स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाओं को पहुंचाने के लिए यह अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता मौजूद न हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने कहा, जन जन तक, प्रत्येक व्यक्ति तक, मैदान पे खड़े अंतिम व्यक्ति तक, उनके उनके परिवार को, उनके पूरे सदस्य को, बच्चे को, सभी को हम लोग प्रयासरत हैं कि ये जो हमारी सरकारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, पोषण संबंधी जो सुविधाएं हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक मुहैया कराया जाए। इसके लिए हमारे 1000 पॉपुलेशन पर आशा हैं और आंगनबाड़ी, ये हमारे फ्रंट फ्रंट लाइन फ्रंट
लाइन वर्कर हैं जो कि जो भी प्रोग्राम है, जो भी आपका प्रोग्राम सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं। 1000 पॉपुलेशन पर आशा का ये पूरा कर्तव्य होता है कि जो महिलाएं हैं, ट्रैकिंग हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जब उन मैरिज होता है, न्यूली मैरिड वुमेन को वहाँ उनको टीका लगाते हैं, टेटवे का इंजेक्शन लगाते हैं, ANC की बात करते हैं, एंटीनेटल केयर की बात करते हैं और 4 ANC करवाते हैं, पोस्ट नेटल में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात कराते हैं और प्रयास करते हैं कि जो मेरा डिलीवरी हो वो संस्थान में हो ताकि संस्थान में हमारा जच्चा और बच्चा का देखभाल के साथ डिलीवरी करवाई जाती है। डिलीवरी के बाद में भी हम लोग प्रोग्राम चला करके उस महिला को और उस बच्चे को भी देखभाल करते हैं जिसको हम लोग HBNC के नाम से जानते हैं, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर। तो हम एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्ट नेटल तक जा करके इवन 42 दिन तक, डिलीवरी के बाद भी 42 दिन तक जा करके जच्चा बच्चा को देखते हैं कि किसी तरह का महिला में PPS तो नहीं हो रहा है, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। बच्चों को भी हम लोग देखते हैं कि वजन ठीक से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, प्रॉपर दूध माँ का पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो कैप्चरिंग करते हैं ताकि किसी तरह से वो इन्फेक्शन ना हो और हमारा जच्चा बच्चा सुरक्षित हो। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया गया है और एक समन्वय बना करके, जैसे आंगनबाड़ी तो ICDS प्रोग्राम के तहत आती हैं, उनका नोडल कुछ और होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का नोडल तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। तो हमारा आशा हमारे साइड की हैं और ICDS के जो है आंगनबाड़ी, ये दोनों को एक साथ मिला करके और प्रशिक्षण 3 दिन का प्रशिक्षण जो है आपका CDO सभागार में, मुख्य विकास अधिकारी के सभागार में सीरियसली और बहुत विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग दी गई है कि क्षेत्र में कैसे कार्य करना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरुवर के निर्देश में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में SJPU और AHTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वयक बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी SOP पॉक्सो एक्ट के मामलों में CWC के समक्ष 100% रिपोर्टिंग हेतु बाल कल्याण अधिकारी व उपस्थित मुंशीगण को निर्देशित किया गया। बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वंदना सिंह, प्रतीक्षा स्नेहालय काउंसलर सीमा सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन 1-स्टॉप सेंटर, सेफ सोसाइटी से ब्रिजेश चतुर्वेदी व प्रभारी निरीक्षक थाना AHT सुबोध कुमार, उप निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता सहित थाना AHT के समस्त स्टाफ व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, SJUP की मीटिंग थी जो हर माह की जाती है, इसमें जो सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो बच्चों के विकास के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए और उन्हें जो हमारी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की है, उनसे जोड़ने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी की ये मीटिंग थी। ये एक तरह की कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। इसमें जो बच्चे बालश्रम में हैं या कहते हैं वृक्षावृत्त में लिप्त हैं, किस तरह से उन बच्चों को हम रेस्क्यू करेंगे और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हम उनको जोड़ सकते हैं और उनका एक विकास के राह पर उनको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। इस संबंध में चर्चा हुई। साथ ही जो पॉक्सो एक्ट से संबंधित विवेचनाएँ हैं, जो विवेचक हैं उनके सामने जो समस्याएं थी उन पर चर्चा की गई है और इस तरह से जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो समस्याएं आती हैं कोऑर्डिनेशन में, उसके विषय में चर्चा की गई है और इन सभी समस्याओं का इस मीटिंग के माध्यम से निराकरण किया गया है और आगे भी हम लोग इसी तरह से चाइल्ड रेस्क्यू के क्षेत्र में आगे काम करते रहेंगे। मैम, इस अभियान में कुछ जो NGO भी है वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं? बिल्कुल, जो सभी NGOs हैं वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, स्पेशली जैसे ये सेफ सोसाइटी NGO इसमें लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है और ये जो स्लम के बच्चे हैं और रेलवे स्टेशन पे जो बच्चे पाए जाते हैं
उनको क्राइम से मतलब उनको पता ही नहीं कि ये क्राइम है, वो जैसे ट्रेन में चलते हुए ट्रेन में मोबाइल ले लेना हो या पड़ा हुआ उठा लेना, तो कुछ चीज़ें से बच्चों को पता ही नहीं है उनके बारे में, उनके विषय में ये लोग काम कर रहे हैं और उनको इस तरह के जो पेटी क्राइम्स हैं उनसे डाइवर्ट करके एजुकेशन की तरफ उनको मोड़ने का काम कर रहे हैं, ये एक सराहनीय काम कर रहे हैं। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। GRP थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने बंगाल के शातिर मोबाइल चोर शुक्रुद्दीन मियां को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शातिर मोबाइल चोर के पास से चोरी के 45 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद की गई मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए SP रेलवे अवधेश सिंह ने बताया कि रेलवे और बस स्टेशन पर सक्रिय रहते हुए मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देता था। चोरी करने के बाद तस्करी के जरिए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश बॉर्डर पर चोरी का मोबाइल फोन पहुंचाते थे, उसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर चोरी के मोबाइल फोन बेचे जाते थे। SP रेलवे अवधेश सिंह ने बताया कि शातिर मोबाइल चोर शुक्रुद्दीन मियां को रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP रेलवे अवधेश सिंह ने कहा, ट्रेनों में चेकिंग की कार्यवाही की जा रही थी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर। उस चेकिंग के दौरान हमारी टीम को आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एक जितेंद्र डोम और बाबू डोम निवासी डोम खाना मुगलसराय, जो मऊ थाने में गिरफ्तार हुआ है। ये चोरी, लूट और गैंगस्टर का अभियुक्त है। कुल मिलाकर के इसके ऊपर 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरे गिरफ्तारी जो है ये गोरखपुर से हुई है। शुक्रुद्दीन मियां पुत्र फारूक मियां मालदा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके पास से 45 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और पूछताछ में ये जानकारी हुई कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वहाँ से ये चोरी करते हैं और लेकर के पश्चिम बंगाल जा रहे थे। वहाँ सर यहाँ बांग्लादेश चली जाती है, जिससे फिर सर्विलांस के माध्यम से भी ये टेस्ट नहीं हो पाती है। इसके बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है कि किसके किसके चोरी के मोबाइल हैं और इसमें और कौन लोग शामिल हैं, उनकी विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज से भी चोरी करते हैं, रेलवे स्टेशन से भी चोरी करते हैं, जहाँ इनको घात मिलती है वहीं से चोरी कर लेते हैं और फिर ले जा करके ये कुछ मोबाइल शॉप की दुकानें होती हैं उनको भी बेचते हैं, लेकिन जो भी बेचते हैं वो पश्चिम बंगाल में ही ले जा करके बेचते हैं, यहाँ पर ये बिक्री का कोई काम नहीं करते। सर, क्या और भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं? हाँ, उसकी विवेचना के दौरान कार्रवाई की जा रही, जो लोग भी नाम सामने आएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फैशन कनेक्ट और बाबरी फिरकी एक बार फिर एक ही छत के नीचे 46 से भी अधिक डिजाइनरों को एक साथ जोड़ते हुए 26 से 27 सितंबर को आपके शहर गोरखपुर में 2 दिवसीय चलने वाला एग्जीबिशन शहर के एक निजी प्रतिष्ठान के हॉल में लगाया गया है। ये प्रदर्शनी बहुत ही कम मूल्य और आकर्षक डिजाइनरों के साथ लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन समाज सेविका सुधा मोदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने आयोजकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसी प्रदर्शनी शहर में लगती रहनी चाहिए, जिससे शहरवासियों को किसी भी तरह की खरीदारी करने के लिए बाहर न जाना पड़े और न ही किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि ज्वेलरी के साथ साथ बड़े एवं बच्चों के कपड़े भी इस प्रदर्शनी में मिल रहे हैं। अगर आप इस शादी के सीजन के लिए कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। इस प्रदर्शनी को खुशबू मोदी एवं स्नेहा जालान अपने पार्टनर स्वाति बाजोरिया और शिल्पा झावर के साथ मिलकर आयोजित करते हैं। सुधा मोदी ने बताया कि ये इनकी 8वीं प्रदर्शनी है और सदैव उनकी यही प्रयास रहती है कि वह हर बार कुछ नया लेकर आएं। इस प्रदर्शनी में भी सभी की जरूरतों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े।
इस दौरान शिल्पा झंवर ने कहा कि प्रदर्शनी में डिजाइनरों की साड़ी और बड़े बड़े डिजाइनर भी आए हैं। इस बार बनारस की गलियों से साड़ियां और सूट लाए गए हैं, जिसके आयोजक स्वाति बाजोरिया हैं, जो कि स्वयं भी एक फैशन डिजाइनर हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए फैशन कनेक्ट से शिल्पा झंवर और स्वाति बाजोरिया ने कहा, तो ये हमारा आठवां एडिट है और बाबरी फिर क्यों फैशन कनेक्ट हर समय गोरखपुर के लिए एक नई चीज लेके आता है। इस बार हम वेडिंग एडिट लेके आए हैं, तो शादी के अवसर पर आपको जूते से लेकर के कपड़ों तक सब यहाँ पे ओरिजिनल ज्वेलरी सब अलग अलग टाइप के यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं कि आपकी शॉपिंग हो जाए, शॉल हो जाए, बेड कवर्स हो जाए। तो जो भी आपके एक शादी के लिए आप एक अपनी बेटी को जो भी देना चाहते हैं वो हर चीज़ की यहाँ पे एक स्टॉल है, चाहे घाघरा हो, चाहे गाउन्स हो, सब अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। तो इसीलिए तो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और कितने स्टॉल लगाए गए? गोरखपुर में हमेशा हम चाहते हैं कि एक वैरायटी ऑफ पीपल आए, तो जैसे सूरत से आए हैं, बॉम्बे से, दिल्ली से, आपका कैलकाटा से है, सब अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? शिल्पा झंवर। विशेष तो आप देख सकते हैं, हम वेडिंग से रिलेटेड हर कुछ लेके आए हैं यहाँ पे। एक शादी, जब घर में शादी का माहौल होता है, उस हर फंक्शन के लिए छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सोचेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे हर कुछ आपको मिलेगा। कितने दिनों, सालों, वर्षों से आ रहे हैं आप लोग, चौथा आपका इवेंट है ये? हम 4 साल से आ रहे हैं और ये हमारी 11वीं इवेंट है। सो हम भी मिलके और आंटी के सपोर्ट से 100% हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज हम यहाँ की 11वीं शो और इतनी बड़ी शो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। आपका शुभ नाम? स्वाति बाजोरिया।